नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके सामाजिक विज्ञान के बारे में, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था 5, यानी लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसने अपने एक क्लास कर चुके थे। आज हम इसकी दूसरी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण के बारे में। तो देखते हैं इसके अंदर, अपन दूसरे पार्ट के अंदर अपन यहां से पढ़ेंगे लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो देखो क्या है, तो आपने पहले इससे पहले पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो देख ले, ताकि आगे आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसके अंदर लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण, 5 सिद्धांत है इसके। लोकतंत्र के कितने सिद्धांत है? 5 सिद्धांत और दृष्टिकोण है। सबसे पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण, यानी अपन कह सकते हैं परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और दृष्टिकोण। चौथा है वो है मार्क्सवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। और पांचवा और अंतिम है समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। यानी पहला है उदारवादी सिद्धांत, दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत, तीसरा है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, चौथा है मार्क्सवादी सिद्धांत और पांचवा है समाजवादी सिद्धांत। तो इसको अपन देखते हैं एक एक को, बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। तो देखो इसके अंदर क्या बताया हुआ है। सबसे पहला जो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण, इसको देखते हैं। तो देखो इसमें लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व्यक्ति के सुख शांति स्वतंत्रता और एवं अधिकार पर जोर दिया देता है। यानी ये जो उदारवादी सिद्धांत है ये क्या करता है, व्यक्ति के सुख शांति पर और स्वतंत्रता पर एवं उसका जो अधिकार है उस पर क्या करता है, अधिक जोर देता है। ये सिद्धांत समानता का सार्थक है। उदारवादी का मतलब क्या होता है, सभी को समान आंकड़ा, यानी समानता का समर्थक है, यानी समानता का समर्थन करता है। इस सिद्धांत का विकास पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा हुआ। ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी एक कुछ ही समय में बन गया है, इसको सिद्धांत को बनाने के लिए पिछली 3 शताब्दियां लगी है, ठीक है, जिससे राजनीतिक चिंतन द्वारा इसका, यानी पिछली 3 सदियों ने राजनीतिक चिंतन किया तब जाकर यह सिद्धांत प्रतिपादन हुआ, यह सिद्धांत बना। इसे पश्चिमी सिद्धांत या लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है इसको पश्चिमी सिद्धांत या लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक, यानी ये जो प्रमुख विचारक है इस सिद्धांत के, वो कौन है? एक है होब्स, लोक, रूसो, बेंथम, J.L. मील, T.N. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि हैं। यानी ये क्या है, इसके प्रमुख विचारक हैं। आपको इस नाम को है जैसे जैसे वैसे के वैसे आपको याद करना है, और याद करते हुए ध्यान रखें ये कौन से है, परंपरागत उदारवादी के प्रमुख विचारक हैं, तो आपको इसके सिद्धांत के ये नाम याद करने हैं। इसके बाद देखते हैं इस सिद्धांत के आधारभूत मान्यताएं और लक्षण क्या है, इसके आधारभूत मान्यताएं क्या है इस सिद्धांत की, उदारवादी की, और इसकी लक्षण क्या है। तो देखो व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित और अहित समझने की शक्ति रखता है। यानी जो व्यक्ति होता है, इंसान होता है, उसके अंदर क्या है, बुद्धिमान प्राणी है, ठीक है, सभी जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान इसको माना गया इंसान को, और वह अपना हित और अहित यानी अपना भला बुरा वो समझता है। सभी व्यक्ति मूलतः समान है, यानी सारे के सारे व्यक्ति क्या है, एक दूसरे के समान है। शासन के गठन में सम्मित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। यानी शासन का गठन जब करते हो तो कौन से सीमित शासन, यानी संविधानवाद के अनुसार शासन का पालन करना चाहिए। शासन सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा है। सरकार राजनीतिक सत्ता का मात्र न्यासी है। यानी जो सरकार की शक्ति क्या है, जनता की इच्छा है। यानी सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा है, जैसा जनता चाहती है वैसा सरकार करती है। और सरकार राजनीतिक सत्ता का मात्र न्यायसी है, यानी इनके जनता के इशारों पर मात्र जो सत्ता है वो चलती है। उसके बाद है शासन के संचालन में निश्चित एवं आधारभूत नियम है, जैसे कुछ जो शासन के संचालन में कुछ नियम है, ठीक है, कौन कौन से हैं, देखो शासन का संचालन जनता द्वारा किया जाना चाहिए। यानी शासन का संचालन किसके द्वारा होता है, जनता द्वारा। शासन के गठन व संचालन में बहुमत सिद्धांत का पालन करना करते हैं। यानी शासन के गठन में जब अपन सरकार चुनते हैं तो कौन सी सरकार का जो संचालन होता है, जिसको बहुमत हासिल होता है, यानी जो चुनाव में जीतता है उसी की सरकार बनती है। यानी बहुमत सिद्धांत का पालन करना चाहिए। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यानी जो भी शासन यानी सरकार है वो जनता के प्रति कार्य करने चाहिए, जनता के लिए, जैसा जनता कह रही है वैसा ही कार्य सरकार को करना चाहिए। शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना है।
यानी शासन का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का हित तो होना चाहिए। शासन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति का मुझे क्या करना है, भला करना है, हित करना है। इसके बाद जो अगली आधारभूत मान्यता है वो है व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता तथा अधिकार प्राप्त होना चाहिए, यानी व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है, और उसको अधिकार प्राप्त होना चाहिए जिस इसकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। यानी इसके लिए क्या होनी चाहिए, व्यक्ति को एक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसके पास अपने मूल अधिकार हैं जो उसको प्राप्त होने चाहिए। इसके साथ ही क्या, इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। यानी ऐसा अगर मान लो इसके जो स्वतंत्रता नहीं मिल रही है या किसी के प्रति अधिकार छीना जा रहा है किसका, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष वाली न्यायपालिका होनी चाहिए जो ऐसा न्याय करे जो किसी के पक्ष में नहीं हो। उसके बाद है निश्चित अवधि के पश्चात स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हो तथा एक से अधिक राजनीतिक दल हो। यानी जैसे अपने यहाँ भारत के अंदर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो इसमें यही कहा गया है निश्चित अवधि के बाद यानी निश्चित समय के बाद में क्या होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, यानी किसी के पक्षपात किए बिना चुनाव होने चाहिए तथा एक से अधिक राजनीतिक दल हो। ऐसा नहीं हो कि राजनीतिक दल एक ही हो, यानी अपन देखते हैं जैसे पार्टियां होती है बहुत सारी, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो कहीं ऐसा ना हो सिर्फ एक ही पार्टी हो उसके अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए, यानी जैसे जनता ने वोट दिया है जिसको चुना है तो उसको सरकार का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पार्टी जिसको बहुमत हासिल हुआ है और एक पार्टी जो बहुमत हासिल नहीं हुआ है, तो जिसको बहुमत हासिल हुआ है जैसी सरकार है उसको उसका आदर करना चाहिए। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। बहुलवादी सिद्धांत क्या है, देखो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत जन सामान्य के बदले समूह की भूमिका पर बल देता है, यानी जन सामान्य प्रत्येक व्यक्ति की बजाय ये क्या करता है, ये समूहों पर बल देता है, यानी एक छोटे छोटे कह सकते हैं जन समूह या क्या करता है भूमिका पर बल देता है। देखो लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास किस किसने किया, वो व्यक्ति हैं एच जी लॉस्की, अर्नेस्ट बर्कर, मिस फोलेट और डी जी डी एच कॉल और डिग्वी आदि ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डहल ने भी इसके विकास में योगदान दिया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद में क्या है, रॉबर्ट टहल कह दो या डहल कह दो ने भी इसके विकासवाद में योगदान दिया था। उन्होंने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद नाम दिया, यानी बहुलवादी लोकतंत्र को क्या नाम दिया, बहुलतंत्रवाद नाम दिया। रॉबर्ट प्रिस्टस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिससे राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। यानी ये कह रहा है जो रॉबर्ट प्रिस्टस है, इसके अनुसार क्या है, लोकतंत्र बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसा सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसके अंदर राज्य के शक्ति में अनेक निजी समूह, बहुत सारे अपन देखते हैं बहुत सारे समूह होते हैं निजी समूह जो राजनीतिक भी हो सकते हैं और दूसरे भी समूह हो सकते हैं जो जन भागीदारी में और इनमें क्या करते हैं भूमिका निभा देते हैं, और कुछ हित समूह भी होते हैं, ठीक है, जो जनता की सहायता के लिए होते हैं वो अपनी भागीदारी निभाते हैं। ये था लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। इसके बाद देखो जो अगला सिद्धांत है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, तो इसको देखते हैं। तो दो लोकतंत्र के इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है, यानी कौन सा है, लोकतंत्र की संपूर्ण विचारधारा का कौन है, अभिजन वर्ग। अभिजन वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई विशेष वर्ग ही होता है जो क्या करता है, शासन चलाता है, हर व्यक्ति शासन नहीं चलाता अपने को पता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक कौन है, रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, पेरेटो, बर्नहम, सी राइट, मिल्स आदि क्या है, इसके प्रमुख विचारक हैं। कौन से सिद्धांत के, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं, आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, पेरेटो और बर्नहम और सी राइट मिल्स, ये इसके प्रमुख विचारक है। इसमें रॉबर्ट मिचेल्स की एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है द पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक है, उसके अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है विशिष्ट वर्गीय के बारे में। और जो मोस्का है उसकी भी एक पुस्तक है द रूलिंग क्लास, मोस्का की पुस्तक है द रूलिंग क्लास और रॉबर्ट मिचेल्स की पुस्तक है द पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में विशिष्ट वर्गीय के बारे में लिखा हुआ है। विशिष्ट वर्गीय का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वर्ग जो शासन चलाने में क्या हो, समर्थ हो, यानी अपने जो सत्ता के अंदर दो तरह के, एक सामान्य वर्ग होता है और एक विशिष्ट वर्गीय होता है। विशिष्ट वर्गीय क्या करता है, वह ये जो शासन चलाता है। इसके बाद जो अगला सिद्धांत है वह लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है और दृष्टिकोण, मार्क्सवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण, इसके बारे में देखते हैं। तो यह सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट
रूप को प्रस्तुत करता है, लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है। कौन करता है? मार्क्सवादी सिद्धांत, जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है। ये क्या है? एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है। मार्क्सवादी लोकतंत्र क्या है? आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादी जनवादी लोकतंत्र कहते हैं। मार्क्सवादी से क्या कहते हैं? जनवादी लोकतंत्र कहते हैं। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा से दिखाई देता है। तो यानी इसके विचार कौन है, यानी आपसे पूछे मार्क्सवादी लोकतंत्र के जो प्रमुख विचारक है वो कौन है? कार्ल मार्क्स और दूसरा है फ्रेडरिक एंजल्स, ये दोनों इसके मूल विचारक हैं, ठीक है। इसके बाद है तथा इसके व्यवहारिक रूप से लेनिन, स्टालिन और माओत्से तुंग स्टालिन और लेनिन, ये तीनों हैं जो क्या इसके व्यवहारिक रूप से इसके विचारक हैं। तो ये था मार्क्सवादी सिद्धांत। इसके बाद अगला जो अंतिम जो सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। यानी उदारवादी सिद्धांत जो आपने पहला ही पहला पढ़ा था और इससे जस्ट पहले पढ़ा था मार्क्सवादी सिद्धांत, इन दोनों के समन्वय से, इन दोनों के आपसी मेल से बना हुआ है, वो है समाजवादी सिद्धांत। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ प्राप्त करना चाहता है। यानी इसके अंदर अपने पढ़ा था उदारवादी के अंदर क्या होता है, उदारवादी लोकतंत्र में क्या होती है, व्यक्ति की राजनीतिक जो स्वतंत्रता होती है वो, और मार्क्सवादी लोकतंत्र में आर्थिक समानता होती है, उस दोनों आदर्शों को एक साथ प्रकट करना चाहता है समाजवादी सिद्धांत। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक समाजवाद भी इसको कहा जाता है। यह सिद्धांत क्रांति व हिस्सा के साथ साधनों के स्थान पर विकासवादी तथा संवैधानिक साधनों के विश्वास करता है। ये क्या करता है? जो कहीं किसी खिलाफ क्रांति या हिंसा की बजाय ये ऐसे साधनों पर विश्वास करता है जो विकासवादी हों और संवैधानिक साधन हों, उसके ऊपर विश्वास करता है। तो ये थे लोकतंत्र के सिद्धांत और दृष्टिकोण। इसके बाद है लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, जो अपन पहले ही पढ़ चुके थे। लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार पढ़े थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष में भी अपने दो प्रकार पढ़े थे, तो वही अब डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो समाजवाद, संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में दो प्रमुख प्रकार स्वीकार करते हैं, दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए जाते हैं लोकतांत्रिक शासन के। तो कौन कौन से? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको अपन शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसका दूसरा नाम है प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष, तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है शुद्ध लोकतंत्र, और इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको देखते हैं अपन। पहला देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसे तो आपको पहले अपन पढ़ चुके थे पाठ के अंदर, फिर भी देख लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य के प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण उपयोग प्रयोग करती है। यानी लोकतंत्र में क्या होता है, जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट क्या करती है, राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण उपयोग करती है, यानी सीधे खुद जनता इसका उपयोग करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, नीति से यानी कानून से संबंधित फैसले खुद जनता लेती है, कानून बनाती भी जनता है तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी जनता करती है और उन्हें पद से मुक्त भी करती है। यानी जनता की क्या क्या कार्य, इसमें जनता खुद क्या करती है, शासन चलाती है सारा का सारा। प्रभुत्व शक्ति क्या है, पूर्ण उपयोग करती है, जैसे नीति संबंधी फैसले हो गया, कानून बनाना हो गया, प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होगी और उन्हें पद मुक्त करना, ये सारा कौन करती है, जनता। ये पहले किसमें होता था, यूनानी जो राज्य है उसके अंदर इसका प्रारंभ हुआ था, लेकिन हाल जो वर्तमान में क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों यानी कैंटनों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। सिर्फ स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में ही ऐसी व्यवस्था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। स्पष्ट है कि इससे पता चलता है कि यह शासन व्यवस्था केवल छोटे और कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है। छोटे राज्य होते हैं या कम जनसंख्या वाले होते हैं उसी के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। जो राज्य बड़े होते हैं और जिसके अंदर अधिक जनसंख्या होती है उसके अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। इसके बाद देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जिसमें अपन खुद समय सीधे किसी को नहीं चुनते, खुद जनता अपना फैसला नहीं करते। तो देखो इसके अंदर क्या है,
लोकतांत्रिक सभी लोकतांत्रिक राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुत्व शक्ति प्रयोग करती है। यानी जनता पहले क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, यानी अपने नेता को पहले जनता चुनती है और फिर उन नेताओं के माध्यम से क्या करती है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। फिर उन नेताओं के माध्यम से वो नेता क्या करते हैं, इनका इस प्रभुत्व शक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे अपने शक्ति पड़ी थी जो नीति संबंधी शक्तियाँ हो गया, कानून बना हो गया, बनाना हो गया और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, उनको पदमुक्त करना, ये सारे के सारे क्या है इसके अंदर आ जाते हैं। अब क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी प्रमुख दो प्रकार हैं। अप्रत्यक्ष के भी क्या है, दो अपन प्रमुख प्रकार पड़े थे जिसमें है सांसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। सांसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। इसके बाद देखो कुछ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा इनकी परिभाषा दी गई है, वो देख लेते हैं। तो लॉर्ड ब्राइस ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिससे राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर तथा किसी विशेष वर्ग या वर्गों में ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। जो लॉर्ड ब्राइस है वो कहते हैं लोकतंत्र वह शासन है जिसमें क्या होती है, शासन की सारी शक्ति कानूनी तौर पर तथा किसी विशेष वर्ग में ही नहीं जबकि पूरे समाज के सदस्यों में निहित होती है। यानी अपन सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं कह सकते, पूरे के पूरे समाज में, पूरी जनता में ही निहित होती है। वहीं एक व्यक्ति है डाइसी जो कहते हैं, वो कहते हैं लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक का होता है। यानी लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। यानी राष्ट्र का जितना भी भाग है, राष्ट्र की जो जनता है, वो सारा का सारा क्या होती है, शासक होती है, यानी शासन चलाने वाली होती है। उसके बाद सीले हैं जो कहते हैं लोकतंत्र वह शासक है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। यानी ऐसा शासन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शासन में क्या ले, भाग ले, वो होता है लोकतंत्र। वहीं अब्राहम लिंकन कहते हैं लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन किया जाता है। यानी लोकतंत्र जनता का शासन है, ठीक है, जनता के लिए भी शासन किया जाता है और जनता द्वारा ही शासन किया जाता है। जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन किया जाता है। तो ये है जो अपन कुछ परिभाषाएं जो प्रमुख व्यक्तियों ने दी थी उसके बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।